अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है फरा जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या कहें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच कि आप फरमाइश पूरी की है। यू आर वेलकम। मैंने कहा था ना कि मैं बुला लूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा था आप किसके बारे में बात कर रही हैं। और ब्लेस के आज मैं अभी उठने लगी थी, बड़े जरूरी काम होते हैं घर के भी कुछ ऐसे, कि आज मेरा फ्राइडे का कुछ प्लान था और मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब आई हैं, तो मैं वहीं पे टिक गई हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, अभी यहाँ से हिलना जुलना नहीं आपने। मेंटालिटी का इतना असर होता है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कि माशाल्लाह इतनी अच्छी लगती हैं कि आप दोनों सामने बैठे हुए ना, आपकी पर्सनैलिटी पे भी उनका फर्क पड़ रहा है कि मतलब इतने आज सोबर और सोबर, माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं सब लोग आज। Excuse me, talk to me, पड़ा talk to me। बहुत अच्छे लगते हैं डेली बेस पे, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक चीज होती है, ये बात है, इंसान बैठा होता है उसकी पर्सनैलिटी भी आपकी अक्स पड़ता है आपका, बिल्कुल ये बाल। और मैं इसीलिए दौड़ता दौड़ता डॉक्टर जौहरिया के क्लिनिक जाता हूँ, मुझे इसीलिए बहुत पसंद, आई लव हर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच तारीफ़ का। ये नजर इज रियल। मैं तो भी जवाब नजर इज रियल, अगर आप जवाब ना देती तो नजर ना लगती। क्या का सवाल आप बता देता कि वो क्लियर नहीं खाता जी। वाइफ को पिगमेंटेशन हाँ। है, उसकी रीजन क्या है, क्या कोई खाने पीने की चीज हम इस्तेमाल नहीं कर? पिगमेंटेशन है, कुछ लोगों को वैसे इनको मेलिज्मा है जो वो कह रहे हैं ना, बार बार आ जाता है। कुछ लोगों की, कुछ खवातीन के मेलिज्मा प्रोन स्किन होती है, किचन में जब काम करती है चूल्हे के आगे हीट लगती है, और उसके बाद डाइट बहुत अच्छी नहीं लेती, डिफिशेंसी अलग हुई होती है, और सनलाइट, ये सबसे मिला के। तो अब इनका कि मुझे रेजिस्टेंट किस्म का मेलिज्मा लग रहा है, क्योंकि कह रहे हैं ना क्रीम्स लगाती रही हैं और वो फिर वापस आ जाता है। तो आई थिंक व्हाट शी नीड्स इज एक दफा मीजोथेरेपी फॉर मेलिज्मा करा लें। मीजोथेरेपी में वो छोटे छोटे इंजेक्ट कर देते हैं स्किन के अंदर ही, तो ये दवाई जब डायरेक्ट स्किन के अंदर जाएगी ना, तो फिर इंशाल्लाह वापस वो नहीं आएगा। दो या तीन जो आपने कहा चूल्हे के पास काम करती है वहां पे सनब्लॉक लगा लें, उससे भी चीजें बेहतर होती है। सनब्लॉक जो है वो फर्क डालता है, हीट को भी थोड़ा सा करता है। ठीक है, समीना हमारे साथ है। एयर वगैरह अच्छी हो, एयरी किचन हो, ठीक है, तोड़ दें छतें, तोड़ दें दीवारें, गिरा दें। आप क्या बड़ी बड़ी आप कॉलेज हमारे साथ समीना जी, अस्सलाम वालेकुम समीना जी, सुबह खैर, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, उमर भाई आप कैसे हो? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? दोबारा पूछते हैं एक बार फिर। कैसी हो बाजी? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप पूछो, खैरियत से? दो दिन पहले नहीं आई थी जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ, उस दिन मेरी तबीयत छुट्टियाँ करने की आदत है ऐसे, और कोई मसला नहीं। मेरी आवाज थोड़ा सा खराब होती जा रही है, इससे मैं पूछना चाहती हूँ। मेरा उम्र है 23। जी हाँ, और मेरा गला तारी तारी है, क्यों? आप तो मेरी एज की हैं वैसे, इतना बड़ी उम्र तो नहीं है आपकी। अच्छा रुकिएगा, शायद डॉक्टर जौहरिया आपसे कुछ पूछना चाहेंगी। गला क्या कर रहा है? गला आवाज खराब होती जा रही है। तो आपको या तो टॉन्सिलाइटिस होगा, या फिर आपके गले की खराबी नजला जुकाम रहता है, साइनसेस बंद रहते हैं आपके? मेरे टॉन्सिलाइटिस खराब है। इनके टॉन्सिल्स खराब है। हाँ, टॉन्सिलाइटिस, और अगर आपको उसको हम कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मैं सोच रही हूँ उसके लिए कौन सी होगी। समीना आपका गला खराब रहता है? गला खराब रहता है हाँ ना। और साइनस हाँ। भी बंद रहते हैं ना? और नाक बंद रहता है? नाक हाँ, आप और हाँ, मुश्किल टर्म बोले। अच्छा, नाक आवाज जैसे लगती है, जिससे मेरी बड़ी बहन की आवाज थोड़ा सा हल्की है, मेरे भाइयों की हल्की है, मेरे बहुत मोटी गले की वजह से शायद। नहीं तो आपको अच्छा। छींके आती है बहुत ज्यादा सुबह उठ के या नहाने के बाद बहुत ज्यादा छींके आना हो? देखिए ये तो अब आपको स्पेसिफिक दिखा के ना ईएनटी को, और देखना पड़ेगा, वो आपके गले का मुआयना करेंगे, नाक का अंदर से देखेंगे, साइनस वगैरह को। मगर उसके साथ साथ कुछ रेमेडीज हैं जो आप घर पे कर सकती हैं, जैसे आप स्टीम लिया करें भाप ज़्यादा से ज़्यादा, सुबह और शाम को दो दफ़ा लें कुछ अरसे आप, और बहुत डीप इनहेलेशन के साथ लें। उसके अंदर आप पुदीना या धनिया के पत्ते डाल सकते हैं, अगर आपके पास विक्स वेपर आप थोड़ा सा वो डाल लें। एक तो ये करें, दूसरा कुछ कहवा पीना स्टार्ट कर दें। अगर आप दालचीनी और लौंग डाल के कहवा लेना तो वो गले की। एंड एक चीज़ मैंने ट्राई की हुई है, थैंक यू आपने याद किया, वैसे याद करें, आप अदरक का कहवा पिया करें। अदरक अगर डालेंगी, ओ हो अदरक बहुत फिट है यार समीना, ठीक है? अगर आपको इससे आराम आया तो आपने मुझे फीस भेजनी है, अगर अदरक कावे से आया आराम। ठीक है, ना समझो हंसी को,
आप बहुत फनी लोग, आप बहुत फनी, पर आप फीस भेज दीजिएगा अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे।